नमस्ते, स्मिता मीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुभस्मिता। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं सूरत के डुमास बीच को। उसके बारे में बहुत कुछ सुना था और हमने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको मिला। और पता है क्या, डुमास बीच को मतलब 35 दीनदयाल उपाध्याय केबल स्टेट ब्रिज बीच है ना, इंडिया का 3500 प्लेस में से एक है, ठीक है। और कल रात को हमने बहुत सारे ऐसे इमेजेस वगैरह देखे, वीडियोस देखे, और इतना मतलब जो स्कैरी साउंड देखे वो लोगों ने वीडियो बनाया है। फिर रात में वही वाले सपने आए हमको, भूत वाले सपने। तो माना जाता है कि वो उसका जो सैंड है उसका कलर है ब्लैक। और माना जाता है लोक कथा के अनुसार डुमास बीच हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था, इसीलिए उसका सैंड ब्लैक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये सूरत का वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे, तो आपको आगे का अपडेट देंगे हम। फिर आप कभी सूरत आएंगे तो डुमास बीच आप घूम के जाएंगे। बीच हम आ गए, ये मंदिर दिख रहा है। अब हम आ गए अब हम आ गए डुमास बीच पे। आपको दे दे अपडेट बंद कर रिशो। वाओ, रिशो चल देखते हैं गाड़ी की चाबी तुझे क्या चाहिए। रिशु बॉल हो रहा था इसलिए उसके पापा गए हैं उसके लिए बॉल लाने। मतलब हम घर से ही लाए थे बॉल, इधर होगा तो उसको खेलने के लिए अगर मिलेगा जगह तो उसको खेलने देंगे। इसका रेत सच्ची में ब्लैक है, इसका रेत ना सच्ची में ब्लैक है, पूरा ब्लैक। ये थोड़ा पानी, ये पानी बहुत दूर पे है ऐसे। मछली मिल जाए मुझे कुछ, ये मुझे मर्ड की तरह दिख रहा है ऐसे, और रेत की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक ही है कुछ। इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, ये थोड़ा सा काम था इसलिए हम इस साइड में आ गए। बहुत नॉइज़ वहाँ पे हो रहा था गाड़ी की वजह से। मुझे ना यहाँ पे छोटे छोटे मछली देखने को मिले, आप दिखाती हूँ मैं। भाग रहा है वो, ओए ओए भाग मत, में नहीं ले ले बस, छोटा सा है। कहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे ये वाला फोकस में ये गया। और कहाँ पे, और दो तीन भी थे यहाँ पे। मछली मिलेंगे शायद मुझे यहाँ पे। बाबू माछो, बाबू माछो, हाँ जानी जी। अरे सैंड वाला नया लगुनी ना, सैंड वाला लगू जेड़ा कादू लगुनी। हाँ देखो देखो माछा, देखो देखो बाबू तक माछा देखा, देख 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 दीछो। अंडे वो दिशा अंदर जा रही है, अंदर जा रहे है वो। आपको लग रहा है क्या ये बीच जैसा है? तो बारिश हुआ था फिर पानी चला गया उसका। हाँ, उसमें कितने सारे मर्ड है ना वहाँ पे, वो बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे पानी है ऐसे, बहुत दूर बहुत दूर। तो मैं सोची कि थोड़ा पानी में खेलेंगे ऐसे, पूरी की याद आई। मछली है क्या वहाँ पे, और क्या है वो पीछे मछली है, छोटी छोटी मछली है। तुम क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे? इसका तो पूरा चांदी चांदी, इसको सब मछली मिल रही। कितने सारे मछली है, बहुत सारे मछली, सब मछली छुप गई। ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे ज्यादा पानी वानी हो, ऐसे पिचक पिचक करने के उसको मिले तो वो बहुत खुश है ऐसे कि उसको मिल गया। खड़े थे तो हमको पता
नहीं चल रहा कि भाई वहाँ पे बहुत दूर पानी था, लेकिन इधर थोड़ा दूर में आए तो पानी तो बहुत ही पास है। और ईशु की हालत देखो अभी से, वो पानी में खेल खेल के जा रहा है ऐसे, उसको इतना मजा लग रहा है ना। मैं भी अभी चप्पल खोलने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए, ये मड्डी हो या कुछ भी हो, तो मैं रख के थोड़ा सा खेलूंगी। वहां से मिट्टी लेके आया था इधर डालने के लिए, तो पानी आ रहे है भाई। ये क्या धीरे धीरे आ रहा है क्या ऐसे? हाँ धीरे धीरे करके आ रहा है क्या, फिर चला जाएगा। पानी धीरे धीरे करके आ रहा है। में चांदीपुर बोल के एक जगह है बालेश्वर में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चांदीपुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे भी वैसा, मतलब सुबह के टाइम में पानी पूरा चला जाता है, आपको दिखेगा भी नहीं, आप बहुत दूर तक जा सकते हो ऐसे चल के, लेकिन जब शाम होती है ना फिर धीरे धीरे पानी ऐसे वापिस आती है। फिर ये जैसे पानी जा रहा है ना, तो वैसे मुझे पानी कर दिया इसे, फिर ऐसे ही पानी आता है पूरा। जब पानी बढ़ रहा है जल धीरे धीरे आ बाबू, मुझे डर लग रहा है। अच्छा देख, ये बॉल मुझे ना पीछे की तरफ खींच रहा है ऐसे की, देखो बॉल भी पीछे जा रहा है, बॉल को छोड़ देते तो पता चलेगा कि हाँ भाई पानी जा रहा है। हाँ बॉल गया, बॉल घासी नहा के आई थी, पूरा गीला हो गया। हाँ पानी वो वहाँ पे था, फिर इधर से आ गया। वो ओडिशा के जैसा ही है ना, चांदीपुर में ऐसा ही होता है ना, पानी आता है। कार में सब है यहाँ पे। आपको कैसा लगा? ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा खराब नहीं। हाँ ऐसे घूम सकते हैं, वन टाइम ट्रिप है, नहीं वन टाइम नहीं, ऐसे बाहर आ सकते, लेकिन पानी में नहीं भीगना है, बस इतना है कि दूर दूर से ऐसे फिर जाएंगे। और यहाँ पे लोग रील्स भी बना रहे हैं। आपको चेयर की फैसिलिटीज मिलेगी, आपको दो टाइप के स्नैक्स मिलेंगे, मिलेगा मैगी और ये भुट्टा चाट मिलेगा, भुट्टा भी मिलेगा आपको, और क्या चिप्स वगैरह, और कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बस इतना ही है यहाँ पे। और बहुत सारे चेयर है, बहुत लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। की तरफ मंदिर में दर्शन करके आएंगे, सब कुछ कर लिया, खा लिया पी लिया सब कुछ कर लिया, फिर बाद में लास्ट में मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर घर वापिस। आवाज आ रही हुई क्या? बहुत गाड़ी चल रही है ना, तो शायद आपको गाड़ी की बहुत आवाज आ रही होगी। रिशु आवाज कर, आवाज रिशु पूरा, रिशु का कपड़े बदलना पड़ा। हाँ रख देते। यहाँ पे अच्छा है, मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, माता है, गणेश जी का मंदिर। तो ये जो कंपलसरी होता है ब्लॉग में 360 डिग्री रोटेशन, तो अभी हम 360 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, और ये लोग कहाँ गए? आ जा, इससे अच्छा कि मैं ही घूम जाऊँ। बहुत मुश्किल है, मतलब पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, बच्चे कितना करते, बहुत खराब लग रहा है। आई होप मैंने आपको अच्छे से गाइड किया होगा, अगर अच्छे से गाइड किया है ना तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलो, महादेव।
क्या गुजरात? दुबास बीच गुजरात. दुबास बीच गुजरात यस. हम थम्स अप दे सकते हैं. थम्स अप. चलो बाय.